हेलो दोस्तों, खम्मा गणी, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और वॉर ऑफ बॉटल्स के आज के एपिसोड में हम जिन दो महारथियों को आमने सामने करेंगे, तो एक तरफ तो है सिग्नेचर ग्रीन विस्की और दूसरी तरफ जो विस्की है वो है एंटीक्विटी ब्लू विस्की। देखिए दोस्तों, दोनों ही जो विस्कीज का डिटेल के अंदर रिव्यू है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है, तो वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं और दोनों विस्कीज का इंडिविजुअली डिटेल के अंदर जो रिव्यू है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए करते हैं कंपेरिजन दोनों विस्कीज के अंदर और देखते हैं किसमें कितना है दम। चलिए अब दोनों विस्कीज को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं और चेक करते हैं नोजिंग एंड टेस्ट रिव्यूज इन दोनों बॉटल्स का। सबसे पहले जो सिग्नेचर विस्की है उसको मैं ग्लास के अंदर पोर कर लेता हूं। और उसके बाद हम पोर करते हैं एंटीक्विटी ब्लू विस्की को। बहुत ही टेम्प्टिंग ग्लास है इसका, विस्की का। कॉलेज डेज के अंदर ये हमारी वन ऑफ द फेवरेट विस्की होती थी, बिकॉज उस टाइम तो क्या है, जो बॉटल का शेप है और जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उन्हीं को देख के हम परचेज कर लेते थे। तो स्टार्ट करते हैं हम रिव्यू दोनों विस्कीज का। सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम सिग्नेचर विस्की के नोजिंग नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं। स्वीट नोट्स ऑफ कैरेमल मेरे को मिल रहे हैं इसके अंदर से, थोड़े बहुत जो फ्रूटी नोट है वो भी मेरे को मिल रहे हैं, और जो फेंट नोट्स होते हैं, थोड़े बहुत जो मेंथॉल होता है उसके नोट्स भी मैं फील कर रहा हूँ सिग्नेचर विस्की के अंदर से। चलिए आते हैं हम टेस्ट पे और टेस्ट करके देखते हैं सिग्नेचर प्रीमियम विस्की को। स्वीटनेस ऑफ मोलेशीज और लेस ग्रेनी लग रही है विस्की मेरे को। मोलेशीज की जो स्वीटनेस है उसको ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ इसके अंदर से। लिटिल बिट ऑफ वनीला, और स्टार्टिंग के अंदर मेरे को जो फ्रूटी टेस्ट फील हुआ था ना, वो ड्राइनेस के साथ थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया, और बहुत ही कम मेरे को जो स्मोकी टेस्ट है वो भी फील हुआ है इस विस्की के अंदर। चलिए अब चेक कर लेते हैं एंटीक्विटी ब्लू विस्की को और चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग नोट्स इस विस्की के क्या बोल रहे हैं। हनी, थोड़े बहुत फ्रूटी नोट्स भी मेरे को मिल रहे हैं, और जो पीट होता है, पीट के नोट्स मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं। चलिए अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आखिर टेस्ट क्या बोल रहा है इस विस्की का। मीडियम स्वीट है ये विस्की, थोड़ी बहुत स्मोकी भी है, स्मोकी टेस्ट भी मेरे को आ रहा है इस विस्की के अंदर से, और वो जो स्मोकी टेस्ट है वो मेरे को ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर भी मेरे को स्मोकी टेस्ट फील हुआ था, लेकिन जब मैंने एंटीक्विटी ब्लू विस्की को चेक करा तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो ज़्यादा दे रही है विस्की मुझे। मेलो टेस्ट है। अगर मैं बात करूँ फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की का है मीडियम और लॉन्ग।
अब अगर मैं बात करूं ब्रांडिंग की, तो दोनों ही ब्रांड्स को बनाने वाली जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने लीक से हटकर काम किया है, लीक से हटकर मार्केट के अंदर दोनों बॉटल्स को प्रेजेंट किया है। जहां एक तरफ सिग्नेचर की जो बॉटल है वो आती है ऑक्टागन शेप के अंदर, वहीं पे एंटीक्विटी की जो बॉटल है वो एक यूनिक शेप के अंदर मार्केट में आती है। ये दोनों बॉटल्स अपने आप को क्राउड के अंदर अलग कर लेते हैं। आप इजीली दोनों बॉटल्स को किसी भी लिक्विड शॉप पे जाके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक तरफ तो रहता है टेम्पटिंग ग्रीन कलर, तो दूसरी तरफ रहता है मैन इन ब्लू कलर, जिसको आप इजीली पहचान सकते हैं। अब देखा जाए तो दोनों विस्कीज की जो ये बॉटल है, दोनों ब्रांड्स हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और उस कंपनी का नाम है डीआईजीओ। अब क्वेश्चन आता है कि विच वन टू चूज, क्या हम जाएं सिग्नेचर विस्की के लिए या फिर हम सिलेक्ट करें एंटीक्विटी ब्लू विस्की। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही विस्की के अंदर कांटे की टक्कर है। दोनों ही विस्की में आपको मिलेगा फ्रूटी फ्लेवर, दोनों ही विस्की के अंदर आपको मिलेगा स्मोकी फ्लेवर। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस है सिग्नेचर विस्की की 1070 रुपीज, और एंटीक्विटी बॉटल जो आती है विस्की की वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है 1080 रुपीज के अंदर। तो सिर्फ 10 रुपीज ही ज्यादा महंगी है, और 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। और मुझे तो दोस्तों दोनों ही विस्की का जो टेस्ट है वो ठीक लगता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम मैच स्टार्ट करते हैं और वो बिना रिजल्ट के ही फिनिश हो जाता है, उस मैच को हम कहते हैं कि ये मैच टाई हो गया है। वैसे सिग्नेचर विस्की के दो वेरिएंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक तो है सिग्नेचर रेयर और दूसरा है सिग्नेचर प्रीमियम। बट अगर मैं बात करूं एंटीक्विटी ब्लू विस्की की, तो इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो अब आप लोग बोलोगे कि यार दोनों ही विस्की का जो स्कोर है वो सेम रहा है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट भी दोनों विस्की की सेम ही है। 1992 के अंदर लॉन्च हुई थी एंटीक्विटी ब्लू विस्की, जबकि 94 के अंदर लॉन्च हुई थी सिग्नेचर विस्की। तो सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस भी मैं ना के बराबर मानता हूं। तो अब इस टाई मैच के समापन का समय हो गया है। आई होप यू लाइक द मैच। अगर आपको ये मैच अच्छा नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, आईपीएल का सीजन चल रहा है, आप वहां पे जाके मजा ले सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं मैच का। भाई भाई यहां पे भी मजा आ रहा है भाई। मैं जानता हूं दोस्तों, ना आपकी ना मेरी आदत जाएगी मजाक करने की, लेकिन मजाक करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इस मजाक से हमें मिलती है एक प्रीशियस चीज, और वो प्रीशियस चीज है स्माइल। तो इसी स्माइल के साथ आप लोग हमें प्यार देते रहिए, ना कैश में ना काइंड में, सिर्फ लाइक्स के अंदर। तो जाने का टाइम हो गया है, टाइम टू से गुड बाय, सी यू, और जय भवानी।